मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ और अभी यहाँ मेजिया लगुन नामक बहुत अच्छा सा होटल में रुक रही हूँ एक दिन के लिए। तो आज मैं दिखाऊंगी उड़ीसा में 5-स्टार होटल में ठहरना मेरे लिए कैसा अनुभव था। ठीक है, तो शुरू करें। तो पहले मंदिर पे प्रार्थना करके आऊंगी। こちらは शिवलिंग ですね। शिवलिंग 皆さんご存知ですかね？अरे नहीं नहीं, मैं तो शिवलिंग के बारे में आप लोगों को समझाने वाली थी, लेकिन आपको तो पहले से पता होता है। दरअसल ये जापानी लोगों के लिए है, जापानी भाषा में भारत के बारे में समझा रहे हैं उसी वीडियो है, गलती से डाल दी। होटल का लॉबी बहुत सुंदर। वैसे आजकल के उड़ीसा में तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन जब से मैं पहुंची उड़ीसा तब से तो इतनी गर्मी नहीं है। दरअसल दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, यहाँ पे तो बस 35 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं भुवनेश्वर के सबसे बढ़िया होटल में से एक माई फेयर लगुन नामक होटल में आ गई, तो आपको रूम दुआ दूंगी। छोटा सा ऑफिस, लेकिन आज तो काम नहीं करने वाली। लिविंग रूम, अब इस कमरे की सबसे बढ़िया चीज दिखाऊंगी। झरना भी है, मगरमच्छ भी है और स्वाम भी है। बेडरूम, そしてこちらがお風呂。バスタブभी है। バスタブ、チトル、シーシャー、シャワー और शौचालय, शौचालय, जा जा शौचालय। बहुत बढ़िया कमरा है। अब लंच का समय आ गया है। लंच के बाद स्पा, आयुर्वेदिक मसाज लेने जा रही हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। इस बार ज्यादा मेडिकल टाइप नहीं था, रिलैक्सेशन टाइप आयुर्वेदिक मसाज था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद स्टीम साउना। अच्छा हुआ आज ज्यादा गर्मी नहीं है, नहीं तो साउना जाने का मन नहीं करता ना। ओफो, फोन तो बाहर रख के जाना पड़ेगा ना। काफी अच्छा वातावरण। ये तो थोड़ा ज्यादा सेक्सी लग रही है। फिर जल्दी रात के भोजन का समय आ गया। अरे यार, खाती रहती हूँ मैं। इस होटल में तरह तरह के खाने के रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन आज मैं आ गई उड़ीसा खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट। वैसे मुझे उड़ीसा खाने के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक तो श्रिंप वाला, दूसरा मटन वाला ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा है। इतादाकिमास। ये श्रिंप का पकौड़ा जैसा खाना है। बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। इसका नाम क्या है? चना चिंगड़ी। चना चिंगड़ी, चिंगड़ी। एंड दिस वन? दिस वन मटन करी। मेन्यू में कुछ लिखा है? मांसू चोरी। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको तो समझ में आया होगा। कमेंट में लिखिए ये क्या खाना है। मटन काफी सॉफ्ट और अच्छा लगा, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ का खाना थोड़ा ज्यादा तीखा था मेरे लिए, लेकिन मैं तो जापानीज हूँ, जापानी जीभ थोड़ा कमजोर होता है। अगले दिन सुबह,
ये क्या है? ये नमकीन है या मीठा? ट्राई करते हैं। अमाय। ये क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अंदर में कोकोनट है, सिनेमन होगा, ब्लैक पेपर होगा, नमकीन है, मीठा है, बहुत अच्छा है। मेरा पसंदीदा गन्ने का जूस। मैं हमेशा बोलती हूँ नमक मत डालना, मसाले भी मत डालना, बस गन्ने का जूस, प्योर गन्ने का जूस चाहिए मुझे। ओहो बहुत बढ़िया, उसमें अदरक भी होगा, नींबू भी होगा, बहुत अच्छा है। गन्ने का जूस जापान में नहीं मिलता ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। こちらはタピオカのヒールミルクがゆですね。いただきます。おいしい。नाश्ते में बहुत तरह तरह के खाना और ड्रिंक्स लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये था गन्ने का जूस। गन्ने का जूस की जय। उड़ीसा में उड़ीसी भूमि प्रणाम। तो एक रात के लिए मैं फेयर लगूं भुवनेश्वर में ठहरने का अनुभव काफी अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। उड़ीसा की 2-3 यात्रा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो वो भी देखिए। कोणार्क मंदिर, उदयगिर गुफा, तरह तरह की जगहों घूमकर वीडियोस बना रहे हैं, और 2-3 वीडियोस भी आने वाले हैं, ठीक है? तो आप कृपया सब्सक्राइब करके इंतजार कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।